पत्रकारिता दिवस पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ब्लॉक गंगो इकाई द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पत्रकारों के कर्तव्य और अधिकार के बारे में जानकारी को साझा किया गया। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की गंगोह ब्लॉक इकाई द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। आईपीएस कॉलेज गंगोह में आयोजित वर्कशॉप का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम, जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड प्रभारी आलोक तनेजा, प्रशासनिक महामंत्री नवाजिश खान, डीजीसी राजीव गुप्ता, सीओ गंगोह मुनीश चंद्र, इंस्पेक्टर राजकुमार, पंजाब केसरी के जिला प्रभारी मनोज कुमार मिड्डा और ब्लॉक अध्यक्ष अफजल खान द्वारा संयुक्त रूप से माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम ने कहा कि आपका समाचार आपकी नियत पर आधारित होता है, इसीलिए नियत को साफ करके समाचार को बनाएं तो बेहतर होगा। जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा है कि पीत पत्रकारिता ना करें बल्कि स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करें। प्रशासनिक महामंत्री नवाजिश खान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर समाचार चलाने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि जरूर करें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। डीजीसी राजीव गुप्ता ने कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर भी समाचार प्रकाशित करें ताकि समाज उनसे अपना मार्गदर्शन कर अपराधों से बचा रहे। इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष अफजल खान, डॉक्टर राकेश गर्ग, विजेंद्र सैनी, नौशाद चौधरी, अरविंद सिंह काका ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम संयोजक खलील अहमद, मनोज शर्मा, शराफत मिर्जा रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन इसराइल चौधरी ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार मास्टर सलाहुद्दीन, सरफराज अहमद, नीरज चौधरी, अरविंद चौहान, नौशाद चौधरी, वासिल खान अलीफ, सिकंदर अली, नौशाद अली, वीरेंद्र चौधरी, भूपेंद्र राणा, मुस्तकीम चौधरी, अजहर मियाँ, इंतजार शाह, ब्रजमोहन, अयूब खान, रोहित राणा, नावेद सैफी, इरशाद मलिक, संजय शर्मा आदि पत्रकारगण मौजूद रहे।